वाराणसी में गंगा उफान पर है और गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने नाव के संचालन पर पूर्णतः रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद उसकी यदि हम बात वाराणसी में नाव संचालन की करें तो ये वाराणसी के हरिचंद घाट की तस्वीर है और हरिचंद घाट पर जो चोरी छिपे जो नाव संचालन है वो किया जा रहा है। बाकायदा उसमें पर्यटकों को बैठाया भी जा रहा है और एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया भी जा रहा है। बात यदि इन व्यवस्थाओं की करें, प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ रोक लगाई थी कि गंगा में किसी भी तरह के नाव के संचालन नहीं होंगे, लेकिन बावजूद उसके शायद ये पुलिस की खामी है, जल पुलिस की खामी है, जिसके कारण इस तरह की तस्वीर वाराणसी में देखने को मिल रही है। बात यदि इन तस्वीरों की करें, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इस बात को जरूर उस हादसों को भी न्योता दे रही है जो शायद बाढ़ के कारण किसी भी समय हो सकता है। ये वाराणसी के हरिचंद घाट की तस्वीर है, लेकिन बात यदि इससे इतर करें तो वाराणसी के दूसरे घाटों पर भी इस तरह की तस्वीर आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएगी। वाराणसी में यदि गंगा की बात करें तो गंगा का जो जलस्तर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। और बात यदि गंगा के जलस्तर की करें तो वर्तमान में गंगा का जलस्तर 66.12 मीटर पर है, जो चेतावनी बिंदु से महज अब 4 मीटर ही दूर रह गया है। अभिषेक जायसवाल, न्यूज 18 वाराणसी।